हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम काम की बात कर लेते हैं कि क्या आपके भी मोहल्ला में 4G सेवा लगने वाला है BSNL का, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आप तक अपडेट पहुँचेगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं 4G सेवा। राज्य में BSNL के 4000 टावर लगाए जाएंगे, क्योंकि जियो, एयरटेल, वोडाफोन जितने भी कंपनी हैं वो सबका रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि लोग अब ज़्यादातर BSNL इस्तेमाल शुरू कर दिया हुआ है। और BSNL 4G नहीं होने के कारण उसका नेटवर्क स्पीड कम है, इसीलिए सरकार ने सोचा, बिहार सरकार ने, कि 4G सेवा राज्य में BSNL के 4000 टावर लगाए जाएंगे। उसके बाद देखो 4G का कमाल कैसे शुरू होता है और जियो एयरटेल को कैसे पीछे कर देता है BSNL का सिम। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं कब लगेगा, कब से चालू हो जाएगा 4G सेवा। राज्य में BSNL 4G के 4000 टावर लगाए जाएंगे, यानी कि हर मोहल्ला प्रखंड में बट जाएगा 4000 टावर। 15 अगस्त को देश के साथ राज्य में 4G सेवा लॉन्च की जाएगी, यानी कि 15 अगस्त के दिन यह 4G सेवा को लॉन्च कर दिया जाएगा टावर लग जाने के बाद। सुशील कुमार मिश्रा ने कहा कि वे शनिवार के संचार सदन में बिहार और झारखंड परिमंडल के CM अनुभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 2G और 3G के 2800 मोबाइल टावर है, यानी कि बहुत कम से कम टावर है BSNL का, इसीलिए नया लगेगा। उसके बाद है 15 अगस्त को देश भर में लॉन्च होगी 4G सेवा। पिछले महीने में BSNL बिहार परिमंडल में 2 लाख उपभोक्ता जुड़े, क्योंकि जियो के जो है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उसका जो कस्टमर है वो घट गया है, जियो के सिम से इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जियो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते टावर है, सभी को 4G में अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी 3G सिम सब है सबको 4G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग 4G में इस्तेमाल करेंगे BSNL का, और मुंबई में भी BSNL की 4G सेवा शुरू हो जाएगी, यानी कि इंडिया में लगभग हर जगह BSNL का सिम चालू हो जाएगा। बताया कि BSNL की पूरी तरह स्वदेशी उपक्रमों के साथ 4G सेवा लॉन्च करेगी। TCS स्वदेशी 4G का उपक्रम बना रहा है, यानी कि टाटा कंपनी के इसको ऑर्डर दिया हुआ है कि आप लोगों को सिम बनाना है या मतलब टावर लगवाना है, जो कुछ भी है उस सबको TCS कंपनी को दे दिया हुआ है। 4G के लॉन्चिंग के साथ 5G के भी ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी कि जब BSNL 4G जब काम हो जाएगा तो 5G का भी ट्रायल शुरू हो जाएगा। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र शाह ने बताया कि अन्य टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ बढ़ा रही है। देखो हम सही बात बोले हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अपना प्लान बढ़ा रहा है, भाव खा रहा है, नहीं कहता है, जो पहले आता है लोभ देता है, अब बाद में जब कंपनी फंस जाता है सब आदमी जियो के चक्कर में तो बाद में धोखा दे देता है कंपनी, यही कर देता है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इसीलिए लोग BSNL का सबसे सस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन BSNL रियायती दरों पर मोबाइल सेवाएं दे रही है, लेकिन BSNL का है जो लिमिट है कि हम इतना पैसा चार्ज लेंगे तो बस उतना ही लेंगे, एका बैग नहीं बढ़ाता है पैसा का चार्ज, इसीलिए लोग BSNL इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कि पिछले महीने में BSNL बिहार परिमंडल में 2 लाख उपभोक्ता जुड़े हैं, यानी कि पिछले 2 महीना में 2 लाख BSNL का सिम सेल हो गया है। मौके पर मुख्य महाप्रबंधक झारखंड के सीए प्रधान, महाप्रबंधक पटना बिजनेस एरिया महेंद्र सिंह धाकर और महाप्रबंधक सर्किल ऑफिस राजीव रंजन उपस्थित रहे हैं, यानी कि BSNL का जो सिम है वो अब लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि जियो, एयरटेल, वोडा ये सब है ना भाव खा रहा है, जब देखता है कि हमारे पास कस्टमर आ गया है तो इसीलिए सब भाव खाता है, इसलिए आप लोग को BSNL का सिम इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह। अब 4G लग जाएगा तो सब आदमी ले लेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक अपडेट हम चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन BSNL की फुल सिम एकदम ले लीजिएगा 4G से हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।